गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर 4। याद करो लास्ट क्लास लेक्चर 3 में मैंने क्या बोला था, होमवर्क क्या दिया था कि ये जो क्वेश्चन था इसको आप लोगों को नेगेटिव वेक्टर लाइक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने बोला था ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों ने पहले जो सॉल्व किया था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, मुझे लग रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये सब्ट्रैक्शन से ना थोड़ा आसान हो सकता है। आप लोगों ने ट्राई किया? जिन्होंने ट्राई किया उनका आंसर आया क्या? आंसर आया तो अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया चलो मैं आप सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देख लो एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। दो फोर्सेज, लेट्स से एक फोर्स है ए वेक्टर और दूसरा फोर्स है बी वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड की, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन। चलो लिख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, वन ऑफ द फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3। एक फोर्स, लेट्स से ए वेक्टर, ए जो फोर्स है वो कितना है? 20√3। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20√3 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 20। एंड वन ऑफ द फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री। ये जो ए फोर्स है ना ये रिजल्टेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स, लाइक हमें बी वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, बी वेक्टर पूछ रहा है, ए बी को हम लिख लेते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर जो है क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। ए वेक्टर रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। चलो हम लोग 30 डिग्री का बना लेते हैं। ये लेट से ये 30 डिग्री है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 20√3। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट से ज़्यादा है, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 20। तो रिजल्टेंट थोड़ा छोटा होगा ए वेक्टर से। तो दूसरा हमारा बी वेक्टर कैसा होगा? अगर ट्रायंगल लॉ से यूज़ करें तो ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट और दो वेक्टर मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, तो बी वेक्टर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए के हेड से बी का टेल मैच कर रहा होगा। तो दिस इज आवर बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं, बताओ? ऐसे लिख सकते हैं ना, हमें बेसिकली बी फाइंड करना है, तो हम बी को एक तरफ कर दिए और R और A को एक तरफ ले गए। अब B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर। चलो ये हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो हम पहले ड्रॉ किए हैं, ये जो हमारा ड्रॉ है ये किस चीज़ का ड्रॉ है? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर का। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो R A वेक्टर कैसा हो जाएगा हमारा? A वेक्टर माइनस हो गया है ना, देख रहे हो? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, मतलब हमें माइनस A वेक्टर ड्रॉ करना होगा। R वेक्टर अगेन, आर वेक्टर तो ऐसा ही रह जाएगा हमारा, आर वेक्टर ऐसा ही रह गया, और फिर ये हो गया हमारा बी वेक्टर। दिस इज आवर बी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। और ये एंगल कितना है? थीटा है। मतलब एंगल बिटवीन आर वेक्टर और ए वेक्टर कितना है? 30 डिग्री। आर और ए के बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो हमको आर पता है, ए पता है, बी निकल जाएगा। बी वेक्टर का ये नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? ये बी इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ आर माइनस ए। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो वही फॉर्मूला हम लिख लिए। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड ए। तो चलो, आर का मैग्नीट्यूड कितना था? 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर माइनस 2 × 20 × 20√3 इंटू कॉस 30। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 400 प्लस 1200 माइनस 2 बाय 4 1200
रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एक से नहीं टू इंटू ए बी कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू सुनो कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है 22 ए बी कॉस 30 कॉस 30 है रूट थ्री बाई टू तो 400 अच्छा ये मिस्टेक था 800 था ये ठीक कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 1200 माइनस 1200 इज इक्वल टू अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20 तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 20 सेम एज लास्ट क्वेश्चन में भी यही था ना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 ठीक है इसको हमने कैसे सॉल्व किया वेक्टर सब्सट्रैक्शन से थोड़ा आसान हो गया वेक्टर सब्सट्रैक्शन से हम सॉल्व किए हैं तो थोड़ा आसान हो गया आई होप सबको समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसको वापस देखो और समझने का कोशिश करो चलो अब आगे बढ़ते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से ठीक है यूनिट वेक्टर आज का सब हेडिंग है यूनिट वेक्टर ठीक है अब ये यूनिट टर्म्स आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट यूनिट का मतलब क्या होता है वन बेसिकली वन होता है ना तो यूनिट वेक्टर आज दोज वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन है समझ में आया यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन अब बताओ अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो वेक्टर क्या बचा फिर चलो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ वेक्टर क्या होता है वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ठीक होता है ना मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है ना अगर ये मैग्नीट्यूड को मैं वन कर देता हूँ तो वेक्टर क्या बचेगा सिंपल डायरेक्शन डिनोट कर रहा है वो समझ में आ रहा है अगर मैग्नीट्यूड को मैं वन कर दिया तो वेक्टर इज डिनोटिंग डायरेक्शन गॉट इट हेंस यूनिट वेक्टर डिनोट्स डायरेक्शन ठीक है यूनिट वेक्टर डिनोट्स डायरेक्शन वेक्टर के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है अगर मैं मैग्नीट्यूड को वन कर दिया तो उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या बचता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो जाता है ठीक है लेट्स से यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई ये सब मैं पहले कराया था नहीं कराया था तो अभी भी करा दे रहा हूँ यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए कैप या किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे ना लाइक नॉट जस्ट ए कोई भी आप अल्फाबेट ले लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई कैप ऑन द वेक्टर मैं लिख दे रहा हूँ क्लियर लिख रहा हूँ कैप ऑन द वेक्टर इंस्टीड ऑफ एरो अगर हमको वेक्टर डिनोट करना होता है वेक्टर डिनोट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन हो जाएगा ए कैप क्या है दिस इज यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए कैप क्या बता रहा है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन आर सेम थिंग ठीक है यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन है तो बचता क्या है फिर सीधा डायरेक्शन तो बेसिकली ए वेक्टर इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए वेक्टर क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर तो अब बताओ अगर आपको डायरेक्शन बोल दे फाइंड करने के लिए या यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ए कैप इज इक्वल टू देखो यहाँ फार्मूला जो मैं लिखा हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए
तो अगर ए कैप फाइंड करने को बोले, यूनिट वेक्टर फाइंड करने को बोले, डायरेक्शन फाइंड करने को बोले, तो आप क्या करोगे? दैट इज ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझे? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो फिर इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? वन, क्योंकि ऊपर में मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दैट मैग्नीट्यूड, वन, मैग्नीट्यूड तो वन हो गया। बचता क्या है? सिर्फ यूनिट वेक्टर। हैंस यूनिट वेक्टर निकालने का, डायरेक्शन निकालने का द फॉर्मूला इज दिस। क्लियर है सबको ये चीज? बोलो हाँ या ना। चलो मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, बट आई एम श्योर ये आपको अब समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, दिस इज हाउ यू फाइंड द यूनिट वेक्टर। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा एग्जांपल लो, लेट्स से एक कोई वेक्टर है 15 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ये क्या है? वेक्टर है। और इसका मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? 15 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कर दिया तो क्या बचा इसके पास? डायरेक्शन बचा ना सिर्फ। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्शन। क्लियर है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल, इनका मतलब इनका डायरेक्शन सेम है। हेंस इन दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। अगर ए और बी एंटी पैरेलल है, ए और बी एंटी पैरेलल, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसा हो जाएगा? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग आगे भी थोड़ा देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पहले ये क्वेश्चन मैं बाद में करते हैं, अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, बट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर, या पहले क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना होगा। चलो बता ही देता हूँ मैं कॉन्सेप्ट को। डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ, चलो कर लेते हैं पहले, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस है ना बच्चे, वो आउट ऑफ प्लेन को डिनोट करता है, मतलब आउट ऑफ दिस टैब। मैं पहले ही बताया रखा हूँ, ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, जो जेड एक्सिस है वो बाहर की साइड को डिनोट करता है, आउट ऑफ द प्लेन। तो देख रहे होगे एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन द सेम वे वाई और जेड के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। और एक्स और जेड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। आप चाहो तो अपना पेन को इस ओरिजिन, जो ओरिजिन है यहाँ पे हमारा ओ, इस पे अपने पेन को डालोगे तो पेन क्या कर रहा है? बाहर के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो उससे फिर देखो, उससे वाई एक्सिस को देखो क्या एंगल बना रहा है, उसको एक्स एक्सिस से देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। हेंस दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम ना डायरेक्शन डिनोट करने जा रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। अब बार बार हमको ये लिखना कि वेक्टर इज इन एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कि पूरा लिखना इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है,
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे कैप कैप लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना, और अगेन जेड एक्सिस के डायरेक्शन को हम के स्मॉल के उसके ऊपर कैप लगा के डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल रहेगा, स्मॉल आई स्मॉल जे स्मॉल के उसके ऊपर कैप लगा देंगे, तो दैट इज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही होता है, तो बेसिकली आई वेक्टर का इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, व्हाट यू विल से कि इसका मैग्नीट्यूड तो वन है, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, तो बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, तो अगर मैं बोल दूँ वेक्टर इज 15 आई कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 15 और डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इनफैक्ट पॉजिटिव आई है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और अगर निगेटिव आई है -15 आई है इसका मतलब टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, आई कैप का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये सब आप लिख लेना, जे कैप का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, के कैप का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन, माइनस आई कैप का मतलब क्या हुआ निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, माइनस जे कैप का मतलब क्या हुआ निगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, और माइनस के कैप का मतलब क्या हुआ निगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन, समझे, यही था डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सिस को बार बार ये नहीं बोलेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हम लोग सिंपल डिनोट कर देंगे आई कैप जे कैप के कैप, समझे। चलो अब हम लोग जो मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा था छोटा छोटा क्वेश्चन सर मैं वो करा देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग सभी यहाँ से, हाँ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूनिट वेक्टर्स इन द फॉलोइंग नीचे बोलेंगे फॉलोइंग इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, मतलब यूनिट वेक्टर नोटेशन में इनको डिनोट करना है, पहला है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कैसे डिनोट करोगे, ये ऐसा है ना कुछ वेक्टर कुछ ऐसा है तो हमको इसको डिनोट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है आई, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 20 और डायरेक्शन इज आई कैप, ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जो मैं रेड बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ ना ये है रेड बॉक्स में जो ड्रॉ करेंगे दिस इज द आंसर 20 आई कैप। दूसरा है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर इन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नीचे की तरफ मतलब माइनस जे, और कितना 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा ये -10 जे कैप, ठीक है दिस इज द आंसर -10 जे कैप, ठीक है नेगेटिव वाई एक्सिस पे डिनोट करना, तो नेगेटिव वाई क्या हो जाएगा माइनस जे। अनदर इज पॉइंट ए हैव कोऑर्डिनेट्स 4 मीटर 2 मीटर, इसको डिनोट करना है, एक आप कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 2, तो हम चलो डिनोट करते हैं, तो ये क्या है 4, इसको हमने ये कह दिया 4, इसको कह दिया 2, तो इसका कोऑर्डिनेट ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा दिस, तो इसका एक्स एक्सिस पे क्या है एक्स एक्सिस पे इसका मैग्नीट्यूड है 4 और वाई एक्सिस पे 2, तो कैसे डिनोट करेंगे हम इसको 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है इसको हम लोग आगे अभी और भी लर्न करेंगे, चलो आगे भी हम लोग लर्न करते हैं थोड़ा इसको, क्लियर क्लास।
Now let's move forward. We are going to do most important part of vector. Resolution of vectors. In fact, मैं ये वाला जो टॉपिक है ना इसको स्टार्टिंग में लेक्चर वन में जो मैंने आउटलाइन किया था ना वेक्टर्स को उसमें मैं इसको लिखना ही भूल गया था. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. ठीक है, वेक्टर चैप्टर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बहुत ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना है. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने से पहले हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट देखते हैं. चलो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट थोड़ी देर बाद देखते हैं. इससे पहले हम लोग देखते हैं ये जो एक वेक्टर है इसको हम कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. इसको कंपोनेंट पहले तो ये समझो कि व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट. ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ. रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू द कंपोनेंट वेक्टर. ठीक है, क्या हुआ रिजोल्यूशन का मतलब? वेक्टर को हम अब स्प्लिट कर रहे हैं कंपोनेंट्स में. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अब तक हम लोग क्या लर्न कर रहे थे, अब तक हमको दो वेक्टर दे रहा था, दो वेक्टर दिया हुआ था और हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था. रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था. अब क्या है, आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा और आपको ये दो वेक्टर आपको निकालना है. ठीक है, आपको क्या देगा, अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा और कहेगा कि ये दो वेक्टर निकाल के दिखाओ. तो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल 5 को कंपोनेंट में ब्रेक करना, मतलब 5 को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 3. ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमें दो वेक्टर दिया हुआ था इसको हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे. लेट से 2 और 3 दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट 5 निकाल रहे थे. अब क्या है, 5 दिया है और हमको बोल रहा है इसका कंपोनेंट निकालो. क्लियर है, ऐसे ही समझो इसको. तो अगेन इसी से देखते हैं 5 के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं. आप कह सकते हो 2 + 3 भी हो सकता है, 1 + 4 भी हो सकता है, 6 - 1 भी हो सकता है, 7 - 2 भी हो सकता है. तो 5 के कितने पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट. इन सेम वे एक वेक्टर के कितने पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं. समझे? ठीक है, नोट इट डाउन, लिख लेते पहले यहाँ पे हम नोट बना के. अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, अगर पेयर में देखा जाए, पेयर में देखा जाए तो कितने पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं. अगर हम सिंपल नंबर ऑफ कंपोनेंट देखा जाए, एक वेक्टर के कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर, ये कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स का ये सम हो सकता है. तो हम लोग पॉलीगन मेथड पढ़े थे ना, ये जितने वेक्टर का ये क्या होगा, जितने वेक्टर को ये जितने वेक्टर के साथ ये क्लोज पॉलीगन ये ज्वाइन करके बना दे, इसको हम ज्वाइन कर सके इसको हम. लेट्स से दिस इज आवर 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब देखो ये जो आर वेक्टर मैं लिख रहा हूँ ये ए बी सी डी ई और एफ, ये सारा क्या है, ये जो आर है ए बी सी डी ई एफ का सम है ये. तो इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है ए बी सी डी ई एफ है, ये आर वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स आर सच थिंग कि जिनको हम सम करें तो वो रिजल्टेंट वेक्टर जो हम वेक्टर निकल के आ जाए. जिस वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे थे तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट का सम क्या होगा, दैट वेक्टर इटसेल्फ. इन द सेम वे आर वेक्टर को हम स्प्लिट किए किसमें, ए बी सी डी ई एफ,
और ए बी सी डी ई एफ का सम क्या होगा, आर वेक्टर होगा। समझे इस चीज को, हम आर वेक्टर को अगर स्प्लिट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। ठीक है, तो आर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, अगेन आर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, हेंस अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। समझ में आया, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले हम लोग क्या देखे थे, पेयर में, पेयर में कितना कंपोनेंट हो सकता था, तो ए वेक्टर का इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकता था, एक वेक्टर का इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकता था। अब हम नंबर देख रहे थे एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो अगेन अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, बट हमारा इंटरेस्ट इनफाइनाइट में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कंपोनेंट में है, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, पता है ना, एक वेक्टर के इनफाइनाइट पेयर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, बट हमारा इंटरेस्ट किसमें है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट्स जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। समझे, अगर मैं लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं दो कंपोनेंट में, दो पेयर में मैं इसको स्प्लिट करूं, इसको मैं स्प्लिट किया इन दो पेयर में, अगर दो पेयर के बीच में मैं इनको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, अगर इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। समझे, वेक्टर और कंपोनेंट के बीच के एंगल का बात नहीं कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन टू कंपोनेंट्स। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है तो इसकी ये दोनों कंपोनेंट है, x और y दोनों कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स बिटवीन विच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वेक्टर का कितना पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है, सोचो जरा एक वेक्टर का कितना पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकता है, सोच लिए। चलो अब मैं बताता हूँ, देखो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर और क्या हो सकता था, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो मैं एक पेयर ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन एक पेयर ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना मैं, और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से एक कंपोनेंट में ये ड्रॉ किया तो दूसरा कंपोनेंट में एक पेयर ये मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो क्लास, एक मैं ब्लू कलर से ड्रॉ किया हूँ, एक ही वेक्टर है, जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का कितने पेयर ऑफ में कंपोनेंट में मैं ब्रेक कर रहा था उसको, एक ब्लैक कलर से किया हूँ मैं, एक ब्लू कलर से किया हूँ, एक रेड कलर से किया हूँ, सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे हैं, सारे कंपोनेंट्स आपस में
90 डिग्री पे हैं, देख पा रहे होगे आप, सारे कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री पे हैं। जैसे जैसे इनफैक्ट इसी एक 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 को ड्रॉ कर लो, एक को एक पेयर आप ड्रॉ कर लिए, अब इस पेयर को आप रोटेट करते रहो, ये पेयर को रोटेट करते रहो, सारा क्या होगा 90 डिग्री पे ही होगा। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे सारे कैसे बनेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही बनेंगे। हेंस अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हेंस अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, एक वेक्टर के इनफाइनाइट पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्लियर है। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी हाउ वी ड्रॉ ड्रॉइंग ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखते हैं हम लोग कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जहां भी आपका वेक्टर होगा, ये वेक्टर है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके टेल पे जाके कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देना है, समझे, क्या करना है, इसके टेल पे जाके आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देना है। इसके टेल पे जाके मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, समझे, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हो ना, एक्स एंड वाई एक्सिस जो होता है, वाई और ये एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वेक्टर के टेल पे जाके कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, चलो मैं लिख लेता हूँ, स्टेप वन क्या है हमारा, स्टेप वन ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आपको हेड ऑफ द वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है दोनों एक्स और वाई एक्सिस पर। क्या करना है, हेड ऑफ द वेक्टर, जो वेक्टर का हेड है, हेड ऑफ द वेक्टर से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिए, स्टेप टू लिख लो, स्टेप टू क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर टू बोथ द एक्सिस। अब आपने कर लिया, जो टेल था ना, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जो आप एक्स एक्सिस का जो ओरिजिन है, उसको हम लोग ओ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जो टेल है, टेल को ओ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो ओ से परपेंडिकुलर का क्या डायरेक्शन है, दिस। तो ये जो है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ओ से परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस है, चलो पहले डिस्टेंस लेते हैं, डायरेक्शन नहीं, पहले हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो ओ से जो परपेंडिकुलर तक का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर, जो वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया, ये हमारा ए वेक्टर। तो ओरिजिन से, टेल से जो परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगेन दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो है टेल से y कंपोनेंट तक का जो y पे परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। ठीक है, समझ गए, क्या बोले हम, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करना सीख गए, सीख गए ना। देखो अब इस पूरे टर्म को, जो मैं x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a लिखा हूँ, अब के बाद से मैं इसको शॉर्ट टर्म में बोलूँगा ए एक्स। ए एक्स का मतलब क्या हुआ, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। y कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ,
वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए वाई। ए वाई का मतलब क्या हुआ, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज हाउ वी ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्लियर है, नोट इट डाउन, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। शायद मैं पहले ही बताया हूँ, लेकिन आज फिर से मैं बता रहा हूँ। इस ट्रायंगल में इफ दिस इज थीटा, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आप लोग अपोजिट भी बोलते हो और बेस को एडजेसेंट भी बोलते हो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। हेंस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस साइन थीटा। समझ में आया, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, आप लोग क्लास टेंथ में भी स्टडी किए होंगे। ठीक है, इसका अब यूज़ होगा, इसको अच्छे से समझ लो, फिर इसका हम लोग यूज़ सीखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, देखो हम क्या किए, पहले वेक्टर है ये हमारा, दिस इज आवर ए वेक्टर ना, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले टास्क होगा हम लोग का इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं, देख रहे हो मैं क्या किया, मैं पहले टेल पे जाकर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया हूँ। ठीक है, टेल पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ हो गया, फिर हेड से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई। ड्रॉ हो गया। अब लेट से हमें थीटा दे दिया है, ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे दिया है थीटा, तो ए एक्स क्या होगा। अब देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्या है, बेस है ना, ओ पी इज बेस, और पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री अभी सीखे हैं हम लोग कि बेस क्या होता है। अगर हाइपोटेनस के टर्म में ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं ए, तो हाइपोटेनस के टर्म में बेस क्या हो जाता है, एच कॉस थीटा। ठीक है, बेस इज हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा, तो ए ओपी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इन द सेम वे परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, एच साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए साइन थीटा। ठीक है, तो ओपी क्या था, बेस था, हेंस ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। समझ में आया, देखो बिल्कुल ये सिंपल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं लग रहा है अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी हम सीख रहे हैं, ये सब आप टेंथ क्लास में सीख रखे हो। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन है। ठीक है, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड समझो, ये अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी ब्रेक इनटू कंपोनेंट। अब लेट से मैं सिस्टम चेंज कर दिया, मैं अब एंगल ये एंगल ना लेके मैं ये एंगल ले रहा हूँ। मैं एंगल चेंज कर दे रहा हूँ, मैं ये एंगल ले रहा हूँ।
दिस इज फाई। तो अब बताओ ये अगेन ये है ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है ए, तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई इज दिस एंड ए एक्स इज दिस, तो ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। तो अब इस ए वाई में ये वाला कंपोनेंट क्या है जो मैं लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ए वाई इन दिस ट्रायंगल ओ, अगेन यहाँ पे पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल में कंसिडरिंग दिस थीटा फाई, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू बेस हो गया, तो अगेन ये जब बेस है तो बेस क्या होता है हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो ए वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वाई विल बी ए कॉस थीटा, ओ क्यू इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू क्या है बेस है ना, तो बेस क्या होता है हाइपोटेनस कॉस थीटा, और जो ए एक्स है वो क्या है ए एक्स विच विल इक्वल टू पी क्यू, इट इज परपेंडिकुलर, देख रहे हो पी क्यू और ए एक्स सेम है ना, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी ए, मैं लिख देता हूँ पहले पी क्यू लिखता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू ए एक्स विच विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा साइन फाई, फाई हम लोग लिए थे ना, मैं चेंज कर दिया था कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, एंगल को हम लोग थीटा और फाई से डिनोट करते हैं एंगल को, समझ में आया ये चीज। अब इसके बाद ध्यान रखना है, ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं, इसके बाद बस ये ध्यान रखना है कि जिस साइड के साथ एंगल है, जिस साइड के साथ एंगल है वो वाला साइड हाइपोटेनस कॉस थीटा हो जाएगा, लाइक उसके साथ आप कॉस थीटा लोगे और उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, समझे, इस वाले ट्रायंगल में ए वाई के साथ फाई था ना एंगल था, तो ए वाई क्या हो गया कॉस वाला, ए वाई कॉस हो गया और उसका अपोजिट ए एक्स क्या हो गया साइन हो गया, समझे, इस वाले में ट्रायंगल में ए एक्स के साथ थीटा था तो एक्स क्या हो गया कॉस हो गया और अपोजिट वाला साइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग पहले हम लोग डायरेक्शन लिखना सीख गए थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लिखना सीखे थे ना, यस, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्शन लिखना सीख गए थे, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्शन लिखना सीख गए थे और यहाँ पे हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करना सीख गए। अब ये बताओ बच्चों कि इनफैक्ट जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, हमने जो ये रिजॉल्व किया है ये खुद भी क्या है, ये खुद भी एक वेक्टर है ना, जो ए एक्स क्या है, ए एक्स एंड ए वाई इट सेल्फ आर वेक्टर, ए एक्स एंड ए वाई इट सेल्फ आर वेक्टर, हेंस वी ऑल्सो हैव टू अप्लाई डायरेक्शन हेयर, तो ए एक्स का डायरेक्शन क्या है आई कैप और ए वाई का डायरेक्शन क्या है जे कैप, ठीक है। तो अब से हमें लिखना हो ए वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, समझे, ए एक्स इज द वेक्टर सॉम ऑफ ए एक्स एंड ए वाई एंड ए एक्स एंड ए वाई इट सेल्फ आर वेक्टर, तो हम लोग इसका अब वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी लगा देंगे, वी विल ऑलवेज राइट एट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, समझ में आया क्लियर ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड मेकिंग एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगेन आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। चलो उससे पहले मैं एक सेकेंड एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 50 न्यूटन एंड विच इज
acting in the direction of a vector is equal to minus 3 i cap plus 4 j cap. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है. चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना, वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. चलो आई होप अब तक आप लोगों ने अच्छा खासा ट्राई कर लिया होगा, किसी का आंसर आ भी गया होगा और किसी ने बहुत अच्छे से ट्राई भी किया होगा बट आंसर नहीं आया होगा, कोई बात नहीं. अब मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ दोनों क्वेश्चन का. पहला है, रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट. मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का? 6 यूनिट. एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. तो चलो हम पहले वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है विथ एक्स एक्सिस. 6 यूनिट है इसका, 6 यूनिट और एंगल है 60 डिग्री. तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए एक्स और ये है ए वाई. आपको पता है एक्स कंपोनेंट, एक्स क्या हो जाएगा? 6 cos 60 और ए वाई क्या हो जाएगा? 6 sin 60. क्योंकि एक्स के साथ थीटा है ना, तो ये वाला cos हो जाएगा और इसका अपोजिट वाला sin हो जाएगा. तो आपको वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 cos 60 i कैप प्लस 6 sin 60 j कैप. देखो हम ये थीटा है ना, यहाँ पे थीटा है तो इसलिए अपोजिट में हम साइन 60 लिए हैं. कुछ लोग मिस्टेक ये भी करते हैं कि उसको इसको ले लेंगे 90 माइनस थीटा, लाइक इसको ले लेंगे 30 डिग्री और कहेंगे कि 6 साइन 30. ये मिस्टेक मत करना. कुछ लोग ये मिस्टेक किए होंगे कि इसको आप लिख लिए होंगे, यहाँ पे तो ये 60 है, कुछ लोग इसको लिख लिए होंगे 30 डिग्री और उसको लिखे होंगे फिर 6 साइन 30. नहीं, अगर आप जिसके साथ एंगल लिए उसका कॉस लिखोगे, अगर आप इसको 30 ले लिए हो तो आप क्या लिख सकते हो? 6 कॉस 30 लिखना, नॉट साइन 30. हमेशा अपोजिट वाला अगर अपोजिट है, एंगल के अपोजिट है तो उसी का हम साइन लेते हैं, एडजेसेंट का हम कॉस लेते हैं. ठीक है, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन पे जो सेकंड क्वेश्चन है. रीड द क्वेश्चन. फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 50 न्यूटन एंड विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. इसका मतलब समझे, इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है. एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है इतना और डायरेक्शन है इस वेक्टर का डायरेक्शन. ठीक है, बेसिकली वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो कुछ लोग ये किए होंगे, कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व किए होंगे, 50 इंटू माइनस 3 आई प्लस 4 जे. आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे सॉल्व किए होंगे बट लेट मी टेल यू दिस इज रॉन्ग. ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आपने ये जो माइनस 3 आई प्लस 4 जे है ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन लेना है आपको. समझे, क्या लेना है? इस वेक्टर का डायरेक्शन लेना है आपको. तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लोगे? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो. इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस 3 आई प्लस 4 जे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5. तो नाउ ये क्या है? ये अब डायरेक्शन है. वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये क्या है? अब डायरेक्शन. अब हम ये इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स है. 50 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में है? माइनस 3 आई प्लस 4 जे अपॉन 5. 10 हो जाएगा. तो अब ये जो फोर्स हो गया हमारा, फोर्स वेक्टर कैसा हो गया? माइनस 30 आई प्लस 40 जे. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये वाला रॉन्ग आंसर था. समझ में आया क्या मिस्टेक हुआ था? हमको इस वेक्टर का डायरेक्शन लेना था, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो डायरेक्शन हम निकाल दिए. क्लियर? अब चलो मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखते हैं हम जरा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन एनालिटिकल मेथड. अगर वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा तो क्या होगा? देखो ए वेक्टर क्या है? दो वेक्टर का सम है, ए एक्स और ए वाई वेक्टर का. ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप का वो रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आपको याद है ना कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे दो वेक्टर कौन कौन से हैं, ए एक्स और ए वाई। तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स, तो इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर क्या है, ए वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स ए वाई। अब बताओ थीटा क्या है इनके बीच में, आई और जे के बीच में थीटा क्या है, 90 डिग्री। आपको पता है ना आई और जे के बीच में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कॉस 90। तो कॉस 90 क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हेंस मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, जब भी वेक्टर अगर एनालिटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, आई कैप प्लस जे कैप के फॉर्म में, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सारे जो जो वेक्टर हैं सबका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब डायरेक्शन पूछ देगा, ये वेक्टर है हमारा, इसका डायरेक्शन पूछ देगा कि टेल मी ये लेट्स से सब कुछ, ये है आपका ए वाई है और ये ए एक्स है। ये थीटा पूछ देगा कि व्हाट इज़ द थीटा, व्हाट इज़ द थीटा बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है। तो आप क्या करोगे, दिस टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। समझे ये चीज़, टैन थीटा ये जो ए वाई कंपोनेंट है ना, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इससे आप वेक्टर का एक्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना आवश्यक है। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के साथ पूछ देता, टैन थीटा वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए वाई। ठीक है, वेक्टर का दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो आप एक्स और वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना सीख गए। अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछेगा टैन थीटा, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, और वाई एक्सिस के साथ तो ए एक्स अपॉन ए वाई। क्लियर है, इसको मैं कह देता हूँ टैन थीटा एक्स ए थीटा वाई। क्लियर है, तो आज के क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग लेक्चर 5 में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।